नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र और मुझे कहने में रत्ती भर भी हिचक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लव्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, मोदी जी को खुद से इतनी मोहब्बत है, वोट से इतनी मोहब्बत है कि वोट लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, अब चुनावों में न्यूक्लियर बॉम्ब तक का भी प्रवेश हो गया है, परमाणु बॉम्ब का भी प्रवेश हो गया है। सही कहा आपने मोदी जी, चार पांच पाकिस्तान मारे, चार पांच हम मारे, खेल खत्म। आ गया रामराज्य, आ गया छह दिन। आप विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए किस अंदाज में परमाणु हमले की बात की है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अदा देखी है, हमारे पास क्या है बे? जी हां, स्टाइल है ये मोदी जी का, स्टाइल है। मगर दोस्तों सीरियसली, मुझे लगता है ये निहायत ही खतरनाक, बचकाना, गैर जिम्मेदाराना और अवसरवादी बयान है। देश का प्रधानमंत्री इतने आसान लफ्जों में परमाणु हमले की बात करे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मोदी जी आप भूल गए होंगे, मगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का यह हिस्सा। इसमें आप देखिए कि जब हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, परमाणु बॉम्ब गिरा था, उस वक्त क्या हालात हुए थे। जी हां, मोदी जी के लिए परमाणु बॉम्ब नहीं हुआ, कोई सुतली बॉम्ब हो गया। तभी तो दिवाली की बात कर रहे हैं वो। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात करे तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मगर जैसे मैंने कहा ना कि मोदी लव्स मोदी, हो सकता है कि आपको सपना से मोहब्बत हो, प्रियंका से मोहब्बत हो, राकेश सुरेश से मोहब्बत हो, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ खुद से मोहब्बत करते हैं। और मोहब्बत का यह आलम है कि उन्होंने इस इंटरव्यू में, इस एक मिनट के क्लिप में अपना खुद का नाम 14 बार लिया है। विश्वास नहीं हो रहा ना, अब आपको हम सुनाते हैं, सुनिए। अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, कौन चैलेंजर है आपका इस मोदी का? सबसे बड़ा चैलेंजर मोदी खुद है, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने हर पल मोदी को चैलेंज किया है और मोदी को मैंने हमेशा पूछा, अरे इतना करके क्यों अटक गए? तू तो और ज्यादा करने के लिए आया है, यहां क्यों रुके हो? अरे तुझे तो और ज्यादा करना है, यहीं पर अब सोचते रहोगे क्या? अरे जरा और बड़ा सोचो। मोदी ने खुद को चैलेंज किया है, मोदी ने हर बार खुद को परास्त किया है, मोदी ने खुद को हर बार आगे ले जाने की कोशिश की और इस पल भी मोदी को ही चैलेंज कर रहा है। मैं खुद को चैलेंज कर रहा हूं कि मैं आने वाले 5 सालों में सामान्य मानवी के सपनों के लिए पहले से और तेज गति से कैसे दौड़ूं, पहले से और ज्यादा बलक फर्क कैसे काम करूं। दुनिया को आज मैं पास पास लाया हूं, 5 साल में दुनिया को साथ साथ लेके कैसे चलूं, ये मोदी को चैलेंज है और मोदी उस चैलेंज के लिए स्वीकार करके मोदी को ही मोदी चैलेंज देता रहेगा। वाह, देखा आपने, 13 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नाम लिया। और मोदी जी मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, वो इसलिए कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आपके अलावा आपको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। वैसे वो शोले का क्या डायलॉग था, गब्बर के ताप से? नहीं, उस डायलॉग का यहां कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल, जो मैं बात यहां पर कह रहा था कि मोदी जी वाकई खुद को चैलेंज कर रहे हैं, कैसे, आइए आप खुद देखिए कैसे सीएम मोदी पीएम मोदी को चैलेंज करते हैं। कांग्रेस के उस महाशय से पूछना चाहता हूं, देश की जनता को जवाब दो, आपकी इस आधार कार्ड की योजना, देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें
सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी रोज एक चिट्ठी भेज रहे हैं और वो सवाल भेज रहे हैं, ये जवाब देते फिरते हैं। गुनाह वो करे और जवाब भारत सरकार दे रही है। पाकिस्तान हमको मार के चला गया, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे ओबामा ओबामा। आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और बर्थडे ट्रीट जो है मोदी को देसी घी का खाना खिलाया जाएगा, कश्मीरी चाय पिलाई जाएगी, मिक्स वेजिटेबल पालक पनीर खीर परोसी जाएगी। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी। मैं हैरान हूं प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। शतपति यहां जो छोटे व्यापारी हैं वो मेरी बात को समझे, उन्होंने अब जो हमारे किराने के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। भारत में भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी की जरूरत है। और वो अर्ज किया है ना, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जतलाऊं। व्हाट्स हिज नेम हिज नेम इज मोदी। वो है तूफानी, सबके परम ज्ञाता, देश के भाग्य विधाता। तो जैसे मैंने कहा ना कि वोट से और खुद से इतनी मोहब्बत है कि अब वो डर की भी बात करने लगे हैं। सुनिए किस तरह से वो अपने विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं पहले दो चरण के मतदान को लेकर। दो चरण के मतदान के बाद आपने देखा होगा टीवी में इनकी शक्ल सूरत, ऐसा चेहरा लटक गया है। डर से याद आया, मोदी जी की खास बात यह है कि वो हर चीज को वोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई, 300 लोग मारे गए, मगर इस मुद्दे का भी इस्तेमाल माननीय प्रधान सेवक ने वोट के लिए कर डाला। सुनिए। इस संकट की घड़ी में, इस पवित्र अवसर पर भगवान में लीन लोगों ने अपने स्वजन खोए हैं, उनके प्रति भी, उनके परिवारजनों के प्रति मैं मेरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जब वोट देने जाएंगे कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। और क्या आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है, जब न्यूजीलैंड में एक मस्जिद में हमला हुआ था तब माननीय ने किसी भी रैली में इस मस्जिद पर हुए हमले का जिक्र नहीं किया, अपने ट्विटर हैंडल से एक भी ट्वीट नहीं किया। हां, एक गुमनाम संदेश उन्होंने न्यूजीलैंड को जरूर भेजा। तो इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री के जहन में मुद्दों को लेकर क्या प्राथमिकता है, किस मुद्दे को वो क्यों उठाते हैं। वोट से इस कदर मोहब्बत दोस्तों कि जिस अभिनंदन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात नहीं की, अब उस अभिनंदन का नाम तक वो चुनावी सभाओं में ले रहे हैं। पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अभिनंदन को कुछ हुआ तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। सुनिए। खबरदार पाकिस्तान, के अमारा पायलट ने जो एक खरोच पढ़ावी तो पछी दुनिया ने तुम्हें कहता नहीं कि मोदी आ करियो। ये बात अलग है कि आधिकारिक तौर पर एक भी सबूत, एक भी प्रमाण ऐसा नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री ने इस गुस्से का इजहार पाकिस्तान से किया हो।
क्योंकि मुझे तो याद है मोदी जी कि जब विपक्ष या देश की जनता ये कह रही थी कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस लाओ, तब आपने उन पर तंज किया था। याद है ना रिपब्लिक का वो इंटरव्यू जिसमें आपने कहा था कि विपक्ष को हमारी एयरफोर्स की तारीफ करनी चाहिए थी, मगर वो विंग कमांडर अभिनंदन को वापस लाने के लिए कैंडल मार्च निकालने में लगा हुआ था। इन्होंने तो उस दिन रात को कैंडल लाइट निकालने का और अभिनंदन के मुद्दे पर पूरा पुलवामा और एयर स्ट्राइक सबको ऊपर चढ़ बैठने की योजना बनाई थी। और सैनिकों और अभिनंदन से याद आया, चुनाव आयोग के सामने बाकायदा एक शिकायत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मगर मोदी अपनी हर सभा में सैनिकों का नाम लेते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज की तारीख में आचार संहिता चुनाव आयोग को देखकर वो गाना गा रही होगी, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। और आचार संहिता से याद आया कि जब भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है तब चुनाव आयोग बहुत तेजी से काम करता है, यानी कि तब इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तब ये चाचा चौधरी हो जाते हैं और बीजेपी साबू। क्योंकि जब राज ठाकरे की शिकायत की बीजेपी ने, तो चुनाव आयोग ने बाकायदा राज ठाकरे की तमाम रैलीज जो मुंबई में है उस पर पाबंदी लगा दी। अब मैं यहां सवाल पूछना चाहता हूं कि राज ठाकरे के विचारों की अभिव्यक्ति का क्या, आखिर आपने किस आधार पर राज ठाकरे की रैली पर पाबंदी लगाई है, बताइए। अगर उनकी रैली में कोई शिरकत कर रहा है तो वो उन लोगों का सिरदर्द है। अगर एमएनएस चुनाव नहीं लड़ रही तो क्या हुआ, राज ठाकरे को तो पूरा अधिकार है ना ऐसी रैलियों को संबोधित करने का। दरअसल आपको समझना होगा कि राज ठाकरे घूम घूम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं और मोदी मुक्त भारत की अपील कर रहे हैं। उनके इन्हीं बयानों से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है। आइए इसकी एक झलक देखते हैं। म्हणजे आमच्या पंतप्रधानाची जगातली ओळख काय, फेकू। आज तुम्ही इंटरनेट वरती जा आणि फेकू असा शब्द टाइप करा, तुम्हाला इंटरनेट वरती फेकू या शब्दाचा समानार्थी शब्द नरेंद्र मोदी असा येतो। आज जा, आज मी इतकं खोटं बोलणारा पंतप्रधान मी माझ्या आयुष्यात आजपर्यंत कधी बघितलं नाही। बिहार मध्ये गेले होते, त्या बिहार मध्ये भाषण करताना काय बोलले तुमचं तुम्हीच ऐका। तो जहां राज ठाकरे पर पाबंदी लग गई है, 72 घंटों के बैन के बाद लौटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब वो संभल में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को बाबर की औलाद तक कह रहे हैं, किस अंदाज में वो आप भी सुनिए। लेकिन दूसरी तरफ अपने को बाबर की औलाद कहने वाला व्यक्ति भी आपके बीच में गठबंधन का प्रत्याशी बनकर के आता है। और यही नहीं, उन्होंने मायावती के नाम का हवाला देते हुए कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान ना होता तो अखिलेश यादव किसी जमींदार के खेत में भैंस चरा रहे होते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनका संविधान नहीं होता, अखिलेश यादव चेन्नई में किसी जमींदार के घर में भैंस और गाय चरा रहा होता। चुनाव आयोग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खारिज कर रहा है, उन्हें नजरअंदाज कर रहा है, योगी वापस फॉर्म में लौट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल से उम्मीदवार हैं बीजेपी की, पहले इन्होंने हमारे 26/11 के शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया, अब खुलेआम कह रही हैं कि मैंने बाकायदा बाबरी की गुंबद पर चढ़ के मस्जिद तोड़ दिया था। एक नहायत ही भड़काऊ बयान सुनिए। मैं गई थी, ढांचा तोड़ा था और मैं भव्य मंदिर बनाने जाऊंगी। और आज की तारीख में प्रज्ञा ठाकुर को जो लोग देशभक्त मानते हैं और हेमंत करकरे को जो कि शहीद हो गए थे उन्हें देशद्रोही, जी हां, सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी, उनका आईटी सेल बाकायदा ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि हेमंत करकरे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक देशद्रोही थे, हिंदू विरोधी थे। इस तरह की तमाम चीजें आपको ट्विटर और सोशल मीडिया पर मिलेंगी। तो जहां एक तरफ आप इन्हें देशभक्त बता रहे हैं, मगर क्या कम से कम आप उरी के हीरो, उरी के सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो जनरल हुडा की बात सुनेंगे? क्या कह रहे हैं जनरल हुडा
हेमंत करकरे के बारे में आप खुद सुनिए। नहीं, दुख तो होता है बिकॉज कोई भी मार्टियर हो, चाहे पुलिस का चाहे आर्मी का, ही मस्ट गेट यू नो ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो यू नो दीज अटरेंसेस आर नॉट गुड। दोस्तों, मामला बिल्कुल कल्पना से विचित्र है। वोट के लिए और एक व्यक्ति की शख्सियत के लिए, उसकी महिमा मंडन के लिए आज की तारीख में हम अपनी तमाम संस्थाओं को तो तहस नहस कर चुके हैं। हम अपनी संवेदनाओं को, हम गरिमा को, हम डिसेंसी को, इन तमाम चीजों को भी तबाह करने पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम शहीदों का अपमान कर रही है। हिंदू मुस्लिम में दोहराव तो एक अरसे से चल रहा है, जी हां, जिसका साथ मीडिया भी दे रहा है। और जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? श्रीलंका में एक आतंकवादी हमला होता है, अभी तक किसी संस्था का नाम सामने नहीं आया था, मगर उससे पहले ही भारतीय मीडिया जो है वो बाकायदा नाम छोड़ने लगता है कि कौन लोग इस हमले के पीछे थे। और इसकी आलोचना खुद श्रीलंका में बैठे लोग कर रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासी सोच को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से ये देश की छवि तक को बर्बाद कर रहे हैं, यह सोचना आपको होगा। न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरे आप सबसे अपील कि अपने तमाम दोस्तों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं, लाइक और शेयर करें और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।